ये तो आप सब लोगों को मालूम है, और अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग करके आप लोगों के सामने भी काफ़ी देर बातचीत की है। ये तो दुनिया भर में ये स्थिति उत्पन्न हुई, अपने देश में भी और धीरे धीरे अपने राज्य में, और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, तो एक एक चीज पर नज़र रखते हुए और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना, वही सबसे बड़ा उपाय है। कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है, उसी से पता चलेगा, और खास करके RT-PCR का टेस्ट होगा, तभी सबका जो पता चलता है, उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे, नंबर एक। और दूसरा जो टीकाकरण, ये टीकाकरण भी मैक्सिमम हम लोग करवाते रहेंगे, ताकि लोगों पर इसका असर कम से कम पड़े। तो इसके लिए हम लोग दोनों तरफ काम कर रहे हैं। और एक सबसे खास बात ये है कि सब जगह फैल रहा है, तो आप जानते हैं कि हर राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, तो अपने यहाँ के लोग भी जाते हैं। तो अब वैसे लोग जो कहीं दूसरी जगह काम, अब उनको दिक्कत हो रही है, तो लौटते हैं। तो अब ये सिलसिला चलेगा, तो जो बाहर से आएंगे सबका जाँच किया जा रहा है। अगर जाँच हो जाता है तो पता चल जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई बिना जांच के किसी तरह से कहीं पहुंच जाएगा, तो उस आदमी को तो खुद पता नहीं चलता है कि हमको कोई समस्या है, लेकिन कोई दूसरा उनके नज़दीक जाएगा, उसको हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक एक बात पूरा का पूरा, न सिर्फ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बल्कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस काम में लगा हुआ है, और आपदा प्रबंधन के लोगों को भी लगाया हुआ है। हर प्रकार से एक एक चीज़ को देखना, और इसके बारे में रेगुलरली आपदा की मीटिंग भी करना कि आगे क्या क्या होना है। और आप जानते हैं, हम लोगों ने बता दिया था कि हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई राज्यपाल महोदय के स्तर पर भी सभी दलों की मीटिंग होनी चाहिए, तो हम लोगों ने उनसे बात की, वो सहमत हो गए। तो आप जानते हैं 17 तारीख को सभी दलों की मीटिंग भी है, तो ये सब मीटिंग हो जाएगी और कई तरह के सुझाव आएंगे, सबको ध्यान में रखते हुए और जो कुछ भी करना है बेहतर ढंग से उसको किया जाएगा। पूरे तौर पर बहुत ही सक्रिय और सचेत, और एक एक चीज के बारे में पूरी जानकारी, और रेगुलरली हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे मंत्री जी, हमारे अधिकारी जो हैं, प्रत्यय अमृत जी, सब लोग सभी लोगों से बातचीत करते हैं, और हर स्तर पर एक एक चीज़ की जानकारी ली जाती है, और क्या करना चाहिए इसके बारे में विमर्श भी करते हैं, विचार भी करते हैं, और जो भी जरूरत होता है लोग केंद्र सरकार के साथ निरंतर संपर्क में। आपने भी आज दूसरा टीका लिया है, पैनिक की स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए, ये तो सब लोगों से अपील किया जा रहा है कि भाई जान रहे, हम तो प्रारंभ से ही कह रहे थे कि फिर से बढ़ रहा है, इसलिए सचेत रहना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, थोड़ा दूरी बनाइए, हाथ वगैरह को साफ करिए, अकारण घर से मत निकलिए, सब तरह की बात जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं, वो चीज़ का धीरे धीरे असर होने लगा, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि अब शहरी इलाके में नहीं, अब कई जगहों पर रूरल इलाके में भी, ग्रामीण अंचल में भी शुरू हुआ, तो अब सब लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, और जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाया जा रहा है। अब जैसे बीमार लोग होंगे तो उनके लिए और ज़्यादा बेड हम लोग हॉस्पिटल्स में, और कुछ हॉस्पिटल्स को सीधे इसी के लिए केंद्रित कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ पर बात चल रही है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में पूरे तौर पर सक्रियता नहीं हो रही है, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं पुनः इस बात को कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि लोगों का टेस्ट, अधिकतम लोगों का टेस्ट हो जाए, ताकि पता चल जाए कौन पॉजिटिव है, उनका इंतजाम किया जाए, उनके लिए सही परामर्श हो जाए। तो एक तो ये जरूरी है, और दूसरा चीज़ है कि जो चल रहा है वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम, जो लोगों को भविष्य में बचाएगा, तो अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, और इन सब चीज़ों पर हमारे लोग बाहर बात भी करते हैं, जो भी बाहर से लोग आना चाहें जल्दी से जल्दी आ भी जाएँ, ये सब सारी बात है। और जहाँ तक अपने राज्य में कुछ करना है, अभी हम लोग जो 17 तारीख को सभी दलों के साथ सबका विचार सुन लेंगे गवर्नर साहब के नेतृत्व में, और उसको देखते हुए भी और जो ज़रूरत होगा, और यहाँ पर जो स्थिति और इसी तरह से बिगड़ती जाएगी,
को जो भी कदम उठाना है उसके लिए किया है। आपने भी अस्तीफा ले लिया सर, दूसरा क्या कहेंगे जो लोग अभी भी टीका नहीं ले रहे हैं? आपने हम लोग सबको अनुरोध कर रहे हैं कि सब नहीं परहेज नहीं करना चाहिए, एकदम टीकाकरण पर जोर देना चाहिए। हम लोग तो धीरे हम लोग का दूसरा दौर हो गया, पहला 1 मार्च को जो शुरू हुआ था तो उस दिन हम लोगों ने लिया था और तय किया था कि 31 मार्च को दूसरा लेंगे, लेकिन इसी बीच में केंद्र की तरफ से आ गया कि नहीं आप दूसरे दौर में जो हम लोगों को टीकाकरण हम लोगों का हुआ था तो उसका 6 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में करना चाहिए। तो वही फिर IGIMS ने तय किया आज की तारीख का, तो हम लोग आकर के आज कराए हैं और उस तरह से आज के बाद से निरंतर पहला दौर करा चुके हैं टीकाकरण, वो दूसरे दौर के लिए करेंगे। और जाँच वाली बात, हम लोग तो रेगुलरली सब लोगों से अनुरोध करते हैं और आप लोगों को बता दें कि हम लोग खुद भी बराबर अपना जांच कराते रहते हैं ताकि काम करते रहते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो जांच को जरूर कराना चाहिए। तो यही हम लोगों का है और आप सब लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोगों के लिए भी जो हम लोगों ने सोचा है कि निश्चित रूप से पत्रकार बंधुओं का भी टीकाकरण हो जाना चाहिए, उसके लिए भी लोग तैयारी कर रहे हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।